Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. My name is Sanjana Jain and I am your botany faculty. So I hope aap logo ne pehle ki videos dekhi hogi. Pehle ki videos mein hum log is chapter biological classification ko discuss kar rahe hain. Is chapter mein se har saal minimum 3 to 4 questions aate hain. So bahut hi important chapter hai. Bahut sare concepts ko link karta hai biology ke bacteria, viruses, fungi. तो बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं. उन ऑर्गेनिजम्स की बहुत ही डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है 2, 3, 4, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. विटेकर क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में. मोनेरा किंगडम में अलग अलग बैक्टीरिया, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई के बारे में. किंगडम फंजाई को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आर एच विटेकर ने. फंजाई को प्लांट से सेपरेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो मैंने लाइन बोली है ना अभी लास्ट लाइन, कि किस बेसिस पे फंजाई को प्लांट्स से सेपरेट किया गया था, ये एक क्वेश्चन था नीट एग्जाम में. वन ऑफ द नीट एग्जाम में वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि फंजाई वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ, इट वाज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो स्टार्टिंग विद द किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई, यू कैन पुट डाउन द हेडिंग किंगडम फंजाई. सो फंजाई किंगडम मैंने अभी आपको बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आर एच विटेकर ने किंगडम फंजाई को सेपरेट किया, एक नया किंगडम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जो फंजाई मेंबर्स हैं उन्होंने उन्हें प्लांट किंगडम से सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इस बात को लिख लेते हैं दैट दिस किंगडम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आर एच विटेकर. आर एच विटेकर ने अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई को एक अलग ही रैंक दिया, अलग किंगडम दिया है. फंजाई is placed in a separate kingdom. It was separated from kingdom plantae on the basis of mode of nutrition. Sorry. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाई को वी कॉल इट एज माइकोलॉजी. राइट इट डाउन. स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. आई टोल्ड यू ओलॉजी मींस स्टडी और माइको यहाँ पे मतलब है फंजाई से. तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. फंजाई के अंदर अगर आप देखो तो हर जगह आपको मिल सकते हैं. आपको वो लैंड में भी मिल सकते हैं, सॉइल में भी मिल सकते हैं, डैम को और शेडी प्लेसेस में ज्यादातर मिलते हैं. बहुत अलग अलग तरह का हैबिटेट होता है उनका. आप देख सकते हो यहाँ पर ये मशरूम इस तरह की शेप का है. फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से इस फ्रूट के अंदर क्या हो गया है, ये भी एक फंजाई है, ये भी एक फंजाई है. ब्रेड खराब हो जाती है. कई बार आप देखते होंगे
घर पे अगर आप ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाए तो उसके ऊपर फंगस ग्रोथ दिख जाती है। तो ये जो ब्रेड है इसके ऊपर फंगस ग्रोथ हो गई है। तो कहीं पे भी अगर आप सोचो तो आपको कहीं पे भी फंजाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन की फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी, शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। अगर आप बात करते हो मॉर्फोलॉजी की तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, उसमें बीच में पार्टीशन भी हो सकता है, बिना पार्टीशन के भी हो सकता है। तो फंजाई बहुत सारी अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी दिखाता है। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब यीस्ट, यीस्ट हो गया, सिंकाइट्रियम हो गया, ये यूनिसेलुलर है। इनसे लेकर ये बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर तक भी है, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स एडिबल लाइक मशरूम्स। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मशरूम्स की तरह भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर जैसे कि यीस्ट और सिंकाइट्रियम। हैबिटेट की बात करते हो अगर, तो मैंने बताया वो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिल सकते हैं आपको, कॉस्मोपॉलिटन है वो। आपको लैंड, सॉइल, डिकेड वुड, वॉल्स, बेड पे भी आपके ग्रो हो सकते हैं। जहां पे थोड़ा सा डैम्पनेस मिलेगी, जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, वहां फंजाई ग्रो हो सकते हैं। तो लिख लो इस बात को, प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, पैरासाइट्स ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, तो wherever the atmosphere is hot and humid, wherever the atmosphere, फिर जो conditions इनके लिए हैं वो है hot and humid, hot and hot की जगह बोलना चाहिए warm, warm is a better term, warm and humid, जहां पे भी थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा humid environment मिलेगा वहां पे आपकी फंजाई आराम से grow हो सकती है, ठीक है। फंजाई के अंदर हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, हैप्लॉइड हैं, डिप्लॉइड हैं, देखने में कैसे दिखते हैं, उस बारे में डिस्कस करते हैं। फंजाई जो है वो यूकेरियोटिक है, तो यूकेरियोटिक है तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा उनमें, जितने भी यूकेरियोटिक फीचर्स है वो आपको फंजाई में देखने को मिलेंगे। लिखते हैं इस बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, पुट डाउन द हेडिंग General characteristics of fungi. इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, थैलॉइड होती है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, कोई डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियरली नहीं दिखेगा कि ये पार्ट बहुत अलग से दिख रहा है, बहुत क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। तो इसको आप बोलते हो कि बॉडी जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या थैलॉइड है। सो यू कैन राइट डाउन वेजिटेटिव बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होती है एंड थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब मैंने बताया नॉट डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड नहीं होती बॉडी, ठीक है। फंजाई में जो सिंगल होता है उसको हम बोलते हैं हाइफे। जैसे कि देखो ये पूरा अकेले को आप बोलोगे हाइफे, पर अगर इसी का ग्रुप हो जाए तो उसे आप बोलोगे माइसीलियम। तो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज हाइफे एंड ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो लिख लो इस बात को, थैलस ऑफ फंजाई is called as hyphae. Thallus of fungi ko aap bolte ho hyphae, hyphae and group of hyphae is called as mycelium.
माइसीलियम की अगर आप बात करो तो ये एक क्लोरोफिलस होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, सो इट इज एक क्लोरोफिलस। अब ये जो हाइफे है या जो माइसीलियम है, इसके बीच में पार्टीशन हो भी सकता है और पार्टीशन नहीं भी हो सकता है। अगर पार्टीशन है तो उसको हम बोलते हैं सेप्टेट, मतलब लाइक दिस, पार्टीशन अगर है, और अगर पार्टीशन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एसेप्टेट। ए का मतलब है एब्सेंट। अब अगर पार्टीशन है तो एक एक न्यूक्लियस होगा एक सेल में, और अगर नहीं है तो एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म में अगर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, सिनोसाइटिक कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन इन विच सेम साइटोप्लाज्म हैज मोर देन वन न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। तो यहां देखो सेप्टेड हाइफे का मतलब क्या हुआ, हाइफे इज एक्चुअली अ सिंगल माइसीलियम या फिर सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो हाइफे अगर सेप्टेट है, मतलब यहाँ पे देखो बीच बीच में पार्टीशन अगर है, पार्टीशन होने की वजह से एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर, दिस इज सेल वॉल, पोर्स मतलब वही पार्टीशन, और पार्टीशन के बीच में पोर्स है, सेप्टा के बीच में पोर्स है, ठीक है। और अगर पार्टीशन नहीं है तो सेम साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है सेम साइटोप्लाज्म में। इस तरह के हाइफे को आप बोल सकते हो एसेप्टेट या सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि फंजाई यूकैरियोटिक है, तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे और न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड होगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो राइबोसोम्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर एटीएस टाइप के होंगे, क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो 70s राइबोसोम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। तो राइट नाउ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s टाइप, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई के अंदर जो होता है वो है ऑयल एंड ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फंजाई और एनिमल्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज ग्लाइकोजन, सो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। रिजर्व फूड मटेरियल is oil and glycogen. Important point है, इसको highlight कर लो, important point है, ठीक है, इसको हमने highlight कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं general characters में। Fungi के अंदर जो Golgi apparatus होता है, normally Golgi apparatus आप देखोगे तो इस तरह से बना होता है, these are actually cisternae, fungi के अंदर बहुत सारे cisternae नहीं होते, single cisternae होता है, तो हम fungi को बोलते हैं, in fungi Golgi apparatus, Golgi apparatus is unicisternal, उसमें एक ही सिस्टर्न होता है, ठीक है, तो इट इज यूनिसिस्टर्नल। आगे बढ़ते हैं,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हो तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं तो वो सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोबिक होते हैं और वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, इसलिए वो पैरासिटिक होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर आप बात करो, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी सैप्रोबिक और पैरासिटिक, मतलब बेसिकली दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली दे शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोबिक और पैरासिटिक। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल की अगर हम बात करें, तो आपने सुना है कि सेल वॉल फंजाई के अंदर बनी होती है काइटिन की, सिर्फ सारे फंजाई के अंदर काइटिनस सेल वॉल नहीं होती है, कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है सेलुलोजिक, इसीलिए उनको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि एल्गी के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है और फंजाई में भी सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ऑल्सो वो जो एल्गल फंजाई है वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, तो ये दो रीजंस हैं कि कुछ फंगल मेंबर्स को एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। तो यू कैन राइट डाउन, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज ऑफ काइटिन, कंपोज ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज in some members. ठीक है, next, fungi eukaryotic है तो उसमें अगर फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिला भी यूकेरियोट ट्यूबुलिन का फ्लैजिला बना होगा। तो फंजाई के अंदर अगर कोई स्पोर्स बन रहे हैं और वहां पे फ्लैजिला होता है तो वो ट्यूबुलिन का बना होगा। और एक और चीज, फंजाई के अंदर जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो होंगे आपके राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब हम डिस्कस करेंगे फंजाई की रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई में रिप्रोडक्शन तीन तरह का मिलता है, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम जरा देखते हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई तीन तरह से हो सकता है, वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन कॉमन वेज हैं। अगर फंजाई यूनिसेलुलर है तो बाइनरी फिशन से भी डिवाइड कर सकती है, बडिंग से डिवाइड कर सकती है, कुछ फंजाई में बडिंग होती है और कुछ में फ्रेगमेंटेशन होती है। इन सभी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनको लिख लो आप। एक हो गया बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड हो गया आपका बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और उनसे रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये एसेक्सुअल स्पोर्स
कौन कौन से हो सकते हैं देखो, जू स्पोर्स हो सकते हैं, स्पोरांजियो स्पोर्स हो सकते हैं, फोनीडिया हो सकते हैं, क्लमाइडोस्पोर हो सकते हैं, और ऑइडिया हो सकते हैं, जो मैंने पहले तीन लिखे हैं, जो फर्स्ट थ्री हैं, ये बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और जो ये दोनों हैं, ये बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में. सो अंडर फेवरेबल कंडीशन ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. आई होप तुम लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेजेस होते हैं, बेसिकली फेजेस होते हैं. यहां पर सबसे पहले आपका होता है प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियो फेज भी आ सकता है, अभी सबको डिटेल में करेंगे. फिर होता है कैरियोगेमी और लास्ट में होता है मियोसिस. तो रिप्रोडक्शन में आज हम इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तीन चीजें आएंगी. एक है फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन और बडिंग. तो लिख लेते हैं इनको पहले. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. Second is binary fission. Third is budding. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेगमेंटेशन से. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है देखो, ये आपका पूरा फंजाई है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया. हर फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. तो जितनी भी फिलामेंटस फंजाई हैं, जिसमें भी फिलामेंट्स हैं, वो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकती है. सो यू कैन राइट डाउन, लिख लो इस बात को, माइसीलियम ब्रेक्स अप इन मेनी पीसेस ड्यू टू सम इंजरी. कुछ इंजरी से भी हो सकता है. एंड देन ईच फ्रैगमेंट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ईच फ्रैगमेंट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म ये हमको देखने को मिलता है इन फिलामेंटस फंजाई. जैसे कि यहां पर म्यूकर एग्जाम्पल दिया हुआ है. म्यूकर, म्यूकर एक फिलामेंटस फंजाई है जिसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है. देन आया बाइनरी फिशन. जो फंजाई यूनिसेलुलर है उनमें नॉर्मल जैसे बैक्टीरिया में डिविजन होती है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फाइनली दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे. तो बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलता है यूनिसेलुलर फंजाई में. सो यू कैन राइट डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. टू डॉटर सेल्स इज बाइनरी फिशन. बडिंग जो हमें यीस्ट में देखने को मिलता है, बडिंग जो है वो हमको यीस्ट में देखने को मिलता है.
Wonderful. ओके सो बडिंग हमें देखने को मिलता है यीस्ट में. देखो होता क्या है, ये आपका यीस्ट का सेल है, उसमें ये एक न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द पेरेंट यीस्ट सेल. पेरेंट यीस्ट सेल में पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसमें पेरेंट सेल में एक आउटग्रोथ बन जाती है. जैसे ही न्यूक्लियस वहां पे पहुंचा, हम इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड. बड विद अ न्यूक्लियस थोड़े टाइम के बाद पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता जाएगा. कई बार बड में वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है और कई बार वो पेरेंट सेल से डिटैच ना होकर वो एक चेन ऑफ सेल्स बनाता रहता है, डॉटर सेल्स की चेन बनाता रहता है. सो बडिंग हमें देखने को मिलता है यीस्ट डिवाइड ऑन द पॉइंट्स एंड आउटग्रोथ और प्रोट्यूबरेंस. प्रोट्यूबरेंस बोल सकते हो उसको या आउटग्रोथ भी बोल सकते हो. डेवलप्स ऑन वेजिटेटिव बॉडी. वेजिटेटिव बॉडी पे वो डेवलप हो जाता है. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड व्हिच डिटैचेस. Which detaches from parent body, and form a new organism. एक new organism बनाता है. ठीक है, तो यहां हमें देखने को मिलता है yeast में. Clear है? So this was about vegetative reproduction in fungi. अब हम लोग next discuss करने वाले हैं asexual reproduction in fungi. So starting with the asexual reproduction in fungi. Put down the heading asexual reproduction in fungi. तुम लोगों को याद होगा मैंने अभी तुम्हें बताया था कि fungi haploid होता है. अगर haploid चीज कोई भी spores बनाएगी विदाउट फ्यूजन, पेरेंट बॉडी से सीधा स्पोर्स बन रहे हैं, हैप्लॉइड बॉडी है तो वो स्पोर्स बनाएगी कौन से डिविजन से? माइटोटिक डिविजन से. क्योंकि स्पोर्स बन रहे हैं माइटोटिक डिविजन के बाद, तो उन स्पोर्स को हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स. तो इस बात को लिख लो. देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पहले हो रही है, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. टेक्स प्लेस by the formation of spores. ठीक है, क्या हो रहा है, जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट थैलॉइड बॉडी ऑफ फंजाई, वो है हैप्लॉइड. तो उसके अंदर माइटोसिस होगी और वो बनाएगी कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स. क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर्स बने माइटोसिस से, तो इन स्पोर्स को हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स. इनको हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था पांच तरह के स्पोर्स बनते हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो पांच तरह के होते हैं फंजाई के अंदर. वी हैव जूस्पोर्स, वी हैव स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, क्लैमाइडोस्पोर्स, एंड ऑइडिया. हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज थ्री स्पोर्स. हम इन इन स्पोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस in detail about zoospores
sporangiospores. And conidia. Put down the first heading, zoospores. सबसे पहले heading डाल लो, zoospores. मैंने तुम्हें बताया कि zoospores बन रहे mitotic division से. Microspores हैं, haploid होंगे. ये बनते हैं zoosporangia के अंदर. क्योंकि ये किसी sac-like, किसी balloon-like structure के अंदर बन रहे हैं, तो ये endogenous spores होते हैं. ये मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला होते हैं. सो यू कैन राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन, दे आर हैप्लॉइड एसेक्सुअल माइक्रोस्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट होंगे, मोटाइल होते हैं. मोटाइल का मतलब फ्लैजेलेटेड होते हैं. एंडोजिनस होंगे क्योंकि ज़ूस्पोरांजिया के अंदर बनते हैं. एंडोजिनस ठीक है, प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरांजिया. ओके, ये एक्वेटिक फंजाई के अंदर बनते हैं. एक्वेटिक फंजाई, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक फंजाई. ठीक है, एक्वेटिक फंजाई में हमें मिलते हैं ये. सिंकाइट्रियम, सिंकाइट्रियम आपको याद होगा, यूनिसेलुलर फंजाई मैंने बताई थी यीस्ट के साथ, उसके अंदर दे आर यूनिफ्लैजेलेटेड. एक ही फ्लैजेला होगा ज़ूस्पोर में. फाइथियम, फाइथियम ये एक और फंजाई है, पर ये यूनिफ्लैजेलेट नहीं है, ये मल्टीफ्लैजेलेट, वो बाइफ्लैजेलेटेड होती है और ये यूनिसेलुलर नहीं होती है. ठीक है, ये मल्टीसेलुलर है और बाइफ्लैजेलेटेड होती है. इसमें दो फ्लैजेला मिलेंगे हमको. ठीक है, ज़ूस्पोर्स बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, एक्वेटिक फंजाई में. उन मेंबर्स को हम बोलते हैं ओमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटीज. ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट आते हैं स्पोरांजियोस्पोर्स. स्पोरांजियोस्पोर्स जो है वो स्पोरांजिया के अंदर बनते हैं. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्पोरांजिया. उसके अंदर बनते हैं, तो स्पोरांजियम के अंदर, स्पोरांजियम इज सिंगुलर, स्पोरांजिया इज प्लूरल, उसके अंदर बनते हैं. उसमें वो बर्स्ट होता है और स्पोर्स को रिलीज करता है. ये जो स्टॉक है स्पोरांजिया की, उसको आप बोलते हो स्पोरांजियोफोर. फोर का मतलब होता है स्टॉक. दिस इज द फंगल हाइफे. सो यू कैन राइट डाउन, दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड होंगे, एसेक्सुअल होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे. ठीक है, एंडोजिनस है क्योंकि स्पोरांजिया के अंदर बन रहे हैं. एंडोजिनस है क्योंकि स्पोरांजिया के अंदर बन रहे हैं. थिन वॉल्ड है और नॉन मोटाइल है. मोटाइल नहीं, फ्लैजेला नहीं है. फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन. ये जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफे बना देते हैं. ठीक है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू हाइफे. एग्जाम्पल जिनमें ये मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें राइजोफर्स में और म्यूकर में. राइजोफर्स और म्यूकर जो मेंबर्स हैं जाइगोमाइसिटीज के, मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज. में हमें स्पोरांजियोस्पोर्स मिलते हैं. तो मतलब म्यूकर और राइजोफर्स स्पोरांजियोस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिटेल में कोनिडिया के बारे में. सो पुट डाउन द हेडिंग कोनिडिया. तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग फंजाई हैं और ये आपके हो गए कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स भी बोल सकते हो. ये देखो,
Misali, Cornelius Porsche. ठीक है, so write down जो most common spore है fungi के अंदर वो Cornelia होता है. So you can write down Cornelia. They are non-motile, uninucleate, और asexual microspores. Uninucleate है, non-motile होते हैं, asexual होते हैं और माइटोसिस से बने हैं, इसलिए माइक्रोस्पोर्स होते हैं. ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं. ये आप देख रहे हो फंगल जो हाइफे है उसके बाहर बन रहे हैं, तो दे आर एक्सोजीनस. बॉर्न ऑन द टिप्स ऑफ द हाइफे. Born का मतलब है produced. Born on the tips of fungal hyphae. ये basimetal होते हैं. Basimetal का मतलब क्या है कि जो youngest spore है वो base पे होता है और जो oldest होता है वो top पे होता है. They are basimetal. Youngest, you can write down youngest at the base and oldest at the top. मैं इसका structure बना के दिखाती हूँ. और एक और बात मैंने बताई थी, ये most common type of asexual reproduction होता है. In ascomycetes and deuteromycetes. In ascomycetes and deuteromycetes. अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आगे बढ़ते हैं, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको. दिस इज Cornelia 4. स्टॉक है Cornelia जहां पे बॉर्न होगा, उसके ऊपर प्राइमरी ब्रांचिंग को हम बोलते हैं रेमे बोल सकते हो आप. इसमें सेकेंडरी ब्रांचिंग भी होगी. सेकेंडरी ब्रांचिंग को आप बोलते हो मेच्यूले. ठीक है, मेच्यूले के बाद एक और ब्रांचिंग होती है. इसको आप बोलते हो फायराइड या फिर स्ट्रिगमाटा. इसके ऊपर जो छोटा स्पोर होगा Cornelia होगा वो बेस पे होगा और टॉप पे होगा बड़ा. तो यहां पे देखना डायग्राम कैसे बनता है. दिस इज द स्मॉलर वन और धीरे धीरे साइज बढ़ाता जा रहा है. स्मॉलर वन धीरे धीरे साइज बढ़ाता जा रहा है. देखो बना लेते जरा. ये देखो यहाँ पे ये छोटे हैं और धीरे धीरे साइज हो रहा है बड़ा. ठीक है, साथ साथ डायग्राम को बनाते चलना.
शासन बनाते चलना। ठीक है, तो अब आपका ये डायग्राम बन गया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कोनिडिया जो आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करना था। इसके बाद हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, एक बार जरा चीजों को समझना, आराम से जरा ध्यान से समझना। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि जो फंजाई होती है वो हैप्लोइड होती है। तो लेट्स से ये एक हैप्लोइड है और ये एक हैप्लोइड फंजाई है। ठीक है, सबसे पहले इनमें जो कंपैटिबल होंगे, ये कंपैटिबल फिलामेंट्स एक साथ आएंगे और इनका साइटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आपने बोला कि साइटोप्लाज्म में जब फ्यूजन हुआ, इसको आपने बोला प्लाज्मोगेमी। इस बात को आपने बोला प्लाज्मोगेमी। कुछ फंजाई के अंदर इस स्टेज से सीधा का सीधा जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, उस टाइम पे एकदम से न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। अगर एकदम से न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाए, यानी का मतलब फ्यूजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। पर कुछ फंजाई में क्या होता है, ये जो दो न्यूक्लियस एक साथ एक साइटोप्लाज्म में है, वो स्टेज कुछ टाइम के लिए ऐसा ही रहता है, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज का मतलब है डाई मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो एक ऐसा फेज आता है कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में कुछ फंजाई में, जब एक ही साइटोप्लाज्म में दो डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसको हम कुछ टाइम के बाद, यहां पर क्या होता है, ये जो फेज है जिसमें दो न्यूक्लियस है एक साथ, उसको हम बोल देते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज ये फेज आपको देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज में और मेसिडियोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये स्टेज बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। मेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। बोथ दी न्यूक्लियस फ्यूजेस। अब दो न्यूक्लियस जब फ्यूज करते हैं तो जायगोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि जायगोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। आपको पता है कि फंगल का जो हाइफे है वो होता है हैप्लोइड, तो इस जायगोट लाइक स्ट्रक्चर में मियोसिस होती है और फिर हैप्लोइड स्पोर्स बन जाते हैं, और जो स्पोर्स अब बनेंगे वो होंगे सेक्सुअल स्पोर्स। तो इस जायगोट लाइक स्ट्रक्चर में मियोसिस हुई, इस जायगोट लाइक स्ट्रक्चर में हुई, ये जब यहां पे फ्यूजन हुई, इसको तो आप बोलोगे कैरियोगेमी। इसको आप बोलोगे कैरियोगेमी। जायगोट लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद मियोसिस जब होगी, उसको आप बोलोगे मियोसिस जब हुई, तो मियोसिस के बाद हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे।
हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और जो ये स्पोर्स होंगे, जो ये स्पोर्स होंगे वो स्पोर्स कैसे होंगे, वो स्पोर्स होंगे सेक्सुअल स्पोर्स. These spores are sexual spores. क्योंकि ये meiosis के बाद बने हैं तो इनको आप meiospores बनोगे. Asexual spores mitosis के बाद बने थे तो उसको आप बोलते हो microspores. ये meiosis के बाद बने हैं तो इनको बोलेंगे meiospores. ठीक है, लिखो इस बात को, लिख लो इस बात को. अब पॉइंट्स को लिख लेते हैं. कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्ड इन फंजाई आर ऊस्पोर्स, ऊस्पोर्स, ज़ाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड मेसिडियोस्पोर्स. एक और बात लिख लो कि सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है. बेसिकली तो तीन स्टेप्स आते हैं. बेसिकली तो तीन स्टेप्स आते हैं. पहला हो गया प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन. दूसरा हो गया कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन. और तीसरा हो गया मियोसिस. तो इनकी डिटेल्स लिख लेते हैं. प्लाज्मोगेमी का मतलब है यूनियन और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लॉइड फंजाई, प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लॉइड फंजाई. ठीक है, कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूजन होना. कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. ठीक है, टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल, टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल. अब इस डिप्लॉइड सेल में फिर से मियोसिस होती है टू फॉर्म हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स. रिडक्शनल डिविजन, मियोसिस होगी तो वो होगी रिडक्शनल डिविजन. इन फ्रूटिंग बॉडी में होती है टू फॉर्म हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, इस बीच में कई बार, इस बीच में किसी किसी फंजाई के अंदर यहां पर एक इंटरमीडिएट फेज आ जाता है. जिसको एक नाम दिया जाता है डाइकैरियोफेज. जिस फेज के अंदर, इंटरमीडिएट फेज में दो न्यूक्लियस होंगे सेम साइटोप्लाज्म में, हैव टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन सेम साइटोप्लाज्म. मैंने आपको पहले बता दिया था ये एस्कोमाइसिटीज और मेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में देखने को मिलता है. तो दिस वाज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. फंजाई किंगडम फंजाई में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में फंजाई के मेंबर्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज. जरा देख लेते हैं वो क्राइटेरियाज क्या है. किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड on the basis of morphology of the mycelium. Mycelium की morphology क्या है? Septate है, aseptate है, uninucleate है या multinucleate है. Morphology of mycelium. ठीक है. Mode of spore formation. स्पोर्स कैसे बनते हैं फंजाई के अंदर. एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. और फ्रूटिंग बॉडीज, क्या क्या फ्रूटिंग बॉडीज है फंजाई के अंदर उस बेसिस पे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है. क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ओमाइसिटीज और जाइकोमाइसिटीज. इन सारी क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. बिफोर दैट नेक्स्ट क्लास यू हैव अ ट्यूटोरियल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपकी प्रोटिस्टा और फंजाई के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.